क्या मेटावर्स बदल देगा इंटरनेट की दुनिया? I think we have to brace for this race to the metaverse. I think we'll see more and more M&A coming in the gaming space. The next platform and medium will be even more immersive, an embodied internet where you're in the experience, not just looking at it. And we call this the metaverse. Because the future is going to be beyond anything we can imagine. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नॉलेज टीवी में खुश आमदीद। दोस्तों, अंदाज़ा करें कि आप अपनी फैमिली मेंबर या किसी दोस्त से मिलते हैं, मगर असलियत में नहीं, नकली 3D दुनिया जो मस्नूई तरीके से बनाई गई है। आप उस दुनिया में घुसते हैं किसी ट्रेन, हवाई जहाज या बस के बगैर, एक खास किस्म के वर्चुअल 3D हेडसेट लगाकर। आप रोजमर्रा का हर काम करते हैं अपने घर से कदम बाहर निकाले बगैर, एक कमरे में कुर्सी पर बैठकर, वो भी खास हेडसेट लगाकर। अब आप आंखें बंद करें और इमेजिन करें ये सब काम करना आपको कैसा लगता है। मुझे यकीन है ये आपको बहुत ही डिप्रेसिंग लग रहा होगा। आने वाले वक्त की जदीद तरीन ईजाद जिसे मेटावर्स कहा जा रहा है, ये क्या बला होगी? ये इंटरनेट को ख़त्म कर देगा ऐसा भी कहा जा रहा है। क्या वाकई इंटरनेट को ख़त्म करने की तैयारियाँ की जा रही हैं? आइए, मेटावर्स क्या है और ये कैसे काम करेगा इस पर बात करते हैं। तो आपसे गुजारिश है ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें। ये मेटावर्स क्या है, ये दो अल्फाज को मिलाकर बनता है, मेटा और वर्स। मेटा यूनानी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है बियॉन्ड यानी परे, और वर्स लफ्ज यूनिवर्स से लिया गया है यानी कायनात। इसका मतलब है ये असली कायनात से भी परे होगा, बियॉन्ड द यूनिवर्स। मेटावर्स लफ्ज इस्तेमाल होता है एक आर्टिफिशियल या मस्नूई दुनिया के लिए। आपको यह लफ्ज सुना सुना सा लग रहा होगा, जो बेशुमार दफा शायद आपने स्पाइडरमैन की नई फिल्म नो वे होम में सुना होगा। मगर आपकी इस कंफ्यूजन को दूर कर दें, स्पाइडरमैन की नई फिल्म में लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ है वो मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट है। कई साइंसदान ये समझते हैं कि हमारे इस यूनिवर्स के अलावा भी कई यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं यानी मल्टीवर्स, मगर हम बात कर रहे हैं मेटावर्स, एक मस्नूई दुनिया की। दोस्तों, कहने को इंटरनेट भी एक वसी दुनिया है, मगर इसमें आप सेलफोन या कंप्यूटर की मदद से सिर्फ 2D यानी 2D में ही जा पाते हैं, मगर मेटावर्स मतलब आप मुकम्मल तौर पर इसके अंदर घुस जाते हैं और 360 डिग्री के जाविये से आप हर एंगल से उस चीज को देख सकते हैं, चाहे सामने से या पीछे मुड़कर। मिसाल के तौर पे आप क्रिकेट या फुटबॉल का कोई मैच देखते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि आप स्टेडियम में बैठकर लाइव वो मैच देख रहे हैं। यही है वो मेटावर्स, यही है वो आर्टिफिशियल दुनिया जिसको आने वाले वक्तों में एक नए इनकलाब के तौर पर देखा जा रहा है। मगर दोस्तों, क्या आपने ये सोचा ये मेटावर्स लफ्ज कहाँ से आया है, इसे सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया? सन 1992 यानी 1992 में ये लफ्ज मेटावर्स एक नावल स्नो क्रैश में इस्तेमाल किया गया था, जो लिखा था नील स्टीफनसन ने। यह नावल था एक डिस्टोपियन दुनिया के बारे में जहां सब कुछ तबाह हो चुका है और बाकी बचे इंसान अपने घरों में ही रहते हैं और VR चश्मे लगाकर अपनी दुनिया को याद करते हैं। इस आर्टिफिशियल दुनिया के लिए लफ्ज मेटावर्स का इस्तेमाल किया गया था। ऐसे ही कुछ गेम्स भी आईं जिनमें आप मस्नूई दुनिया में रहते अशिया की खरीदो फरोख्त भी करते हैं और खुद से मिलते जुलते अवतार बनाते हैं, और आपके यही मिलते जुलते अवतार इस डिजिटल दुनिया में हर काम करते नजर आते हैं। जैसा फेसबुक के बानी मार्क ज़करबर्ग ने अपनी कंपनी का नाम तब्दील करके मेटा रख दिया और अपने अवतार के साथ ये सब कुछ करते रहे जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। ये मेटावर्स बनता कैसे है? कई टेक्नोलॉजीज हैं जो मेटावर्स को बना रही हैं या बनाने की मदद कर रही हैं। नंबर एक, VR वर्चुअल रियलिटी। ये टेक्नोलॉजी आज असली दुनिया में अपना वजूद रखती है, मगर इसको इस्तेमाल करने के लिए बड़े बड़े हेडसेट इस्तेमाल करने पड़ते हैं, जिसके इस्तेमाल से थोड़ी देर बाद ही आपके सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। उसके साथ इसमें एनिमेशन या ग्राफिक्स अभी इतने आला दर्जे के नहीं हैं और साफ पता चलता है कि आप कोई मस्नूई दुनिया देख रहे हैं, मगर जाहिर है वक्त के साथ तब्दीली आएगी और हो सकता है बड़े बड़े हेडसेट छोटे चश्मों में बदल जाएं। फेसबुक के चंद माह पहले आने वाले एंड्रॉयड ग्लासेस जो रेबन कंपनी ने बनाए थे, इसकी एक कड़ी हो सकते हैं। नंबर दो, AR अगमेंटेड रियलिटी।
इसका मतलब हमारी असली दुनिया के साथ कुछ आर्टिफिशियल एलिमेंट्स मिक्स किए जाएंगे, जैसा गेम पोकेमॉन गो में देखा गया था। यानी अपने स्मार्टफोन के साथ असली दुनिया देखते हुए आपको पोकेमॉन नजर आता था। और इसकी एक और मिसाल गूगल ग्लासेस, जो 2013 और 14 के दरमियान एक रेवोल्यूशन समझा जा रहा था, मगर वो मुकम्मल तौर पर एक फ्लॉप वेंचर था। नंबर 3, 5G इंटरनेट। दोस्तों, अगर हमें कॉन्स्टेंटली बहुत ज़्यादा डेटा अपलोड या डाउनलोड करना होगा तो जाहिर है हमें हाई स्पीड इंटरनेट दरकार होगा, और अमेरिका के अलावा कई ममालिक में अब 5G इंटरनेट इस्तेमाल होना शुरू हो चुका है। नंबर 4, ब्लॉकचेन्स एंड क्रिप्टो करेंसी। जब मेटावर्स में कोई खरीदो फरोख्त होगी तो जाहिर है मसनूई दुनिया में असली नोट तो चलने से रहे, इस डिजिटल दुनिया में डिजिटल करेंसी की ज़रूरत पड़ेगी, जिसे क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है। और अगर यह सब डिजिटल होगा तो हैकर्स का खतरा भी लाहक होगा, इसलिए ब्लॉकचेन्स का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। ब्लॉकचेन एक अलग तरह का डिजिटल सिक्योरिटी सिस्टम है। नंबर 5, NFT, नॉन फंजिबल टोकन। अगर ज़मीन या किसी प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त करते हैं तो कैसे होगी? इसके लिए NFT को इस्तेमाल किया जा सकता है। ये किसी भी ब्लॉकचेन पर किसी डिजिटल एसेट की ऑनरशिप को प्रूफ करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, यानी जैसे असली दुनिया में मकान की रजिस्ट्री होती है। या कोई वर्चुअल कॉन्सर्ट है तो उसकी टिकट को NFT के ज़रिए वेरीफाई किया जा सकता है, जो ऑलरेडी आजकल बहुत से सिंगर्स कर रहे हैं। नॉलेज टीवी के दोस्तों, ये सारी टेक्नोलॉजीज इनफरादी तर्ज पर आजकल इस्तेमाल हो रही हैं, मगर इन तमाम ज़राए को बरूए कार लाकर मेटावर्स को बनाना, इसके लिए अभी काफ़ी वक्त और रिसर्च दरकार है। मार्क ज़करबर्ग के मुताबिक 5 से 10 साल चाहिए इसको बनाने के लिए, मगर ज़्यादातर माहिरीन का ख्याल है कि कई दहाइयाँ लग सकती हैं इसको बनाकर इम्प्लीमेंट करने के लिए। दोस्तों, उम्मीद है मेटावर्स के बारे में आप समझ गए होंगे। आपसे गुजारिश है अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं।